जो सरकार ने ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन जो लोगों को लगाई थी, वो मार्च के बाद वो पेंशनें बंद कर दी गई हैं। उसकी वेरिफिकेशन हो रही है कि वो लोग जो बीपीएल होगा, पीएचएच होगा, प्राइमरी हाउस होल्ड जिसको कहते हैं, वो होगा, उसी को दी जाएगी। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए हैं, कॉर्पोरेटर्स ने भी लाए हैं, हमारे सभी कॉर्पोरेटर्स ने, कि कोई बेडरिडन है, कुछ हैंडीकैप ऐसे हैं, कुछ लोग इतने हैंड टू माउथ हैं, वो एक इनकम टैक्स का जो इनकम सर्टिफिकेट है, वो पीएचएच का राशन कार्ड बनाने के लिए, वो बनाने के काबिल नहीं है। तो वो लोगों की पेंशनें बंद कर दी गई सरकार ने। हम कहना अपील करते हैं एज ए मैं डिप्टी मेयर और पूरी कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटरों के बिहाफ पे मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब को कि ये पेंशन जो है जिनको लगी हुई, जिन लोगों को पेंशन लगी हुई है, चाहे वो पीएचएच, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे ओल्ड एज है, चाहे वो विडो है, उनको कंटिन्यू किया जाए। उन पेंशनों की जो लगी हैं उनको भी तहसीलदार ने सर्टिफाई करके दिया हुआ है कि इस आदमी की इनकम जो है वो 5,000-6,000 से ऊपर नहीं है। और जो आप आज पीएचएच राशन कार्ड बना रहे हो, उसके लिए भी वही आधार रखा हुआ है कि तहसीलदार से सर्टिफिकेट बना के लाओ कि इसकी इनकम इतनी नहीं है, तो उसी के ऊपर पहली पेंशन लगी है। जो आगे आपने पेंशन लगानी है वो पीएचएच बना के उसकी लगाई जाए, लेकिन कम से कम जिन लोगों की लगी है उनको बंद नहीं की जाए, उनको कंटिन्यू किया जाए। हमारे ध्यान में बहुत सारे ऐसे केस हैं जो इस काबिल ही नहीं है कि तहसीलदार के ऑफिस जा पाएँ, पटवारी के पास जा पाएँ, या सीएपीडी के पास जाएँ, या फाइल अपनी उठा के वो डीसी ऑफिस में जाएँ, उस कमेटी के सामने पेश हों, तो फिर अपना पीएचएच बनाएँ। तो मुझे लगता है इससे लोगों में भी नाराज़गी है, हमारे कॉर्पोरेटर जो हैं उनमें भी नाराज़गी है। दूसरा जो इन्होंने रखा है कि हम पीएचएच का राशन कार्ड बनाने के लिए, आज तक बहुत कम राशन कार्ड बने हैं, इसलिए बने हैं कि जो सचमुच में डिज़र्विंग है, जो डिज़र्व करता है कि इसका बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, पीएचएच होना चाहिए, वो इस स्थिति में है ही नहीं कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर पाए। सरकार कोई ऐसा शॉर्टकट मैकेनिज्म बनाए कि अंडर वन रूफ उसको एट ए टाइम जो डिज़र्व करता है उसको पीएचएच मिले और उसकी पेंशन जो है वो लग जाए। हमारा अनुरोध है आपके माध्यम से भी।